नमस्कार, सोनालिका गौरमे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज की कचौड़ी। ये प्याज कचौड़ी बहुत ही खास था और फ्लेकी बनता है। अब देखिए कितना स्वादिष्ट बना है, तो इस रेसिपी को फॉलो करें तो आपकी प्याज की कचौड़ी बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट बनेगी। तो जितनी भी सामग्री हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मसालों को ड्राई रोस्ट करने से। तो कुछ मसाले हमने यहाँ पे ड्राई रोस्ट किए हैं, जिसमें धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी को हमने लेके सूखा भुना है और उनको दरदरा कूट के साइड रख लिया है। इसके बाद हम अपना डो बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक कटोरे में मैदा और मंगरेला और अजवाइन को लिया है, साथ ही थोड़ा सा नमक डाल के इनको अच्छे से मिला लेंगे। इनको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हमें इसमें मोयन के रूप में डालना है, जिसमें मोयन इसमें थोड़ा अच्छा पड़ेगा, तभी ये बहुत ही खास्ता और बहुत ही बढ़िया और फ्लेकी बनेंगे। तो हम बैचेस में यहाँ ऑयल डाल रहे हैं ताकि इनको अच्छे से हम मिला सकें मैदे में। तो इन बढ़िया से मिलाते हुए हमने इसको देखना है, जब ये बिल्कुल बाइंड होने लगे बिना पानी डाले है, इसका मतलब ये बढ़िया से रेडी है। ये देखिए बाइंड हो रहा है बिना पानी डाले, इसका मतलब इसमें मोयन की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी भी हम बैचेस में ऐड करेंगे, क्योंकि जो डो हमें बनाना है वो बहुत ज़्यादा ना गीला बनाना है ना बहुत ज़्यादा हार्ड सा बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल डो बनाना है। तो बैचेस में पानी डालते हुए बिल्कुल बढ़िया डो तैयार करेंगे। प्याज की कचौरी बनाते समय जो डो होता है स्टफिंग के अलावा, इसका भी बहुत बढ़िया बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो फ्लेकीनेस और क्रिस्पीनेस है वो अच्छे से आए। तो हमें डो बहुत ही बढ़िया से बनाना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मिला लिया है, बढ़िया से मिला के रख लिया है। ये बिल्कुल देखिए मोयन अच्छा लगा है, तो ये बिल्कुल चिपकता नहीं है नीचे जिस भी बर्तन में हम आटा बना रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से रेडी है डो हमारा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे, करीब यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए इसको रखा है, और इस बीच हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। यहाँ पे करीब 2 चम्मच तेल हमने लिया है, और इसमें हमने थोड़ा सा जीरा और मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। इसमें प्याज को हमने थोड़े पतले टुकड़ों में काटा है, ताकि ये बढ़िया से एक सार हो जाए मसालों के बीच। तो यहाँ पे हमने आँच को मीडियम रखा है और प्याज को पकाएंगे हम। हल्का गुलाबी हो जाए तो उसमें हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, नमक इसके कैरामलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, तो इसको पहले डालें। मसालों का क्रम सही होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको फॉलो करें बिल्कुल उसी क्रम में, तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। अभी हमने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक डाला है, अदरक हमने कुटा हुआ और ग्रेट किया हुआ डाला है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट हमने डाला है। लहसुन का पेस्ट जो है, यहाँ पर हमने कच्चा लहसुन लिया था, तो ये हमें थोड़ा पकाना है, इसलिए हमने थोड़ा इसको पहले डाला है। अब हम बाकी मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हल्दी, कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर डाला है हमने। कश्मीरी मिर्च से मसालों का रंग बहुत अच्छा हो जाता है और ज़्यादा तीखापन नहीं आ पाता, तो आप अपने स्वादानुसार कश्मीरी मिर्च का प्रयोग करें इसमें। इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। आँच हमारा लगातार यहाँ पर मीडियम हीट पर है। इसके अलावा हमने यहाँ ऑल पर्पस मसाला डाला है, जिसकी रेसिपी के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, और भुना जीरा पाउडर हमने डाला है इसमें। इन सबको अच्छे से मिलाना है हमें। उसके बाद इसमें आमचूर पाउडर और जो पहले से भुने और कुटे मसाले हैं वो हमने डाले हैं, दरदरे वाले जो हमने मसाला बनाया था सबसे पहले, उसको हमने इसमें डाल लिया है। इनको मिलाना है। अब यहाँ पे आँच हमने थोड़ा लो कर लिया है, और इस पे हमने घी डाला है, और 2 चम्मच इसमें अब बेसन डालेंगे इसको मिलाने के बाद। और इन मसालों के साथ बेसन भी बहुत अच्छे से पक जाएगा अब इस स्टेज पे, तो हमने यहाँ पे घी डालने के बाद बेसन को डाल दिया है। तो इनको अच्छे से मिलाते हुए हमें बेसन को भी पकाना है मसालों के साथ। बेसन जो है स्वाद तो बढ़ाता ही है प्याज की कचौड़ी में, साथ ही साथ बाइंडिंग में भी बहुत मदद करता है, इसलिए बेसन डालने से इसका स्वाद जो है 2 गुना हो जाता है, तो इसको ज़रूर डालें। अभी हमने कसूरी मेथी और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डाला है इसमें, इसको अच्छे से मिला लेंगे। आँच को आप बिल्कुल लो रखें, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा या तली में लगने लगेगा। अब हमने एक उबले आलू को मैश करके बढ़िया से इसमें
डाला है, ये भी बाइंडिंग में मदद करता है, साथ ही साथ ये स्वाद बहुत बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा धनिया का, थोड़ी सी धनिया की पत्ती हमने यहाँ पे डाली है और इनको अब हमें अच्छे से मिलाना है ताकि जो आलू है मसाले और इस पूरे मिक्स में बिल्कुल एक सार हो जाए। तो दबाते हुए हमने इसको मिलाया है। ये देखिए मसाला अब हमारा तली छोड़ने लगा है, अब ये रेडी है। इसको हम साइड रख लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे तब इनको भरेंगे। अब हम इसको साइड में रख लेंगे और आटा जो हमने बनाया था उसको एक बार फिर से बढ़िया से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा जो डो है ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो रहा है, ये हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो डो बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। लोई को बना के हमने एक साइड रख लिया। जितना डो हमने बनाया है उसमें करीब 7 कचौड़ी हमारी बनी है। तो अब हमारा जो स्टफिंग है थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको इस लोई में भरेंगे। बढ़िया से भर के इनको धीरे धीरे घुमाते हुए सील करें। भरावन थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसको भरने से जो कचौड़ी है वो तेल में जाके टूटती नहीं, फटती नहीं, तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा ठंडा हो जाए तभी भरें। हल्के हाथों से दबा के इसको फैलाएं ताकि ये कचौड़ी की शक्ल में आ जाए थोड़ी। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेल के भी दिखाया है कि कितनी ये परफेक्ट बनी है। ये बिल्कुल बढ़िया से हमारी कचौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो तेल हमने गरम कर लिया है, इसमें एक एक करके सावधानी पूर्वक हम सारी कचौड़ियाँ डाल देंगे। तेल इतना ले कि कचौड़ी अच्छे से डिप हो जाए इसमें। और आँच हमारा मध्यम पे है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे आपने डाल दिया तो कचौड़ियाँ बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो इसलिए ध्यान रखें कि इनको धीमी आँच पे पकाएं और घुमाते हुए पलटते हुए पकाएं। अब एक तरफ से जब हमारा ये सिक चुका है तो हम इसको पलटते हुए दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकाएंगे। तो इसको पलट दिया हमने, अब ये बिल्कुल बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अभी हमने सारी कचौड़ियों को बढ़िया से निकाल लिया। देखिए कितना बढ़िया रंग आया है। इसको इमली की चटनी के साथ और अनियन रिंग्स के साथ सर्व करें। और ये बहुत ही खास्ता और फ्लेकी है। ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो बहुत ही फ्लेकी स्वादिष्ट प्याज की कचौड़ी रेडी है। और भी नए रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।